तो दोस्तों फास्ट एक्स को रिलीज होने में सिर्फ दो ही दिन बाकी है एंड ये फ्रेंचाइजी का अब डीएन होने ही वाला है। तो इसलिए 25 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो फैंस को शायद ही पता होंगे। नंबर 1, फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में हान को डैकर शॉ की वजह से कार एक्सप्लोजन में मारा था ऐसा दिखाया है, लेकिन डायरेक्टर जस्टिन लिन ने जब हान के कैरेक्टर को फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी में दिखाना था तो ये बात इतनी सीक्रेटली रखी गई कि संग कैंग जो हान का रोल प्ले करता है उन्होंने अपनी वाइफ तक को ये बात नहीं बताई कि वो फ्रेंचाइजी में रिटर्न करने वाले है। नंबर 2, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में आपको होब्स के जो प्लास्टर वाला आइकॉनिक सीन याद ही होगा। तो होब्स जब हॉस्पिटल में था तब बैकग्राउंड के टीवी में हमको रग्बी की मैच दिखती है और वो रग्बी की मैच द रॉक के कॉलेज के पास की मैच थी जहां वो नंबर 94 की जर्सी में यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के लिए रग्बी खेलते थे। नंबर 3, तो द फेथ एंड फ्यूरियस में डॉम एंड साइफर का एक अनएक्सपेक्टेड किसिंग सीन था, लेकिन क्या आपको पता है साइफर का रोल प्ले करने वाली एक्टर चार्लिज थ्योरन ने मूवी के प्रमोशन के दौरान वो जब एलन के शो पे अपीयर हुई थी तो उन्होंने ये बात साफ साफ बोली थी कि उनको विन डीजल के साथ किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Really, my hand, I'm forcefully forcing his face, which is what the movie's about. Number 4, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में ये मैग्नेट प्लेन वाला सीन था जो काफी वियर्ड एंड खराब था, लेकिन क्या आपको पता है ये पूरा आइडिया डायरेक्टर जस्टिन लिन के बेटे ओके जो सिर्फ 9 साल का था एंड ये आइडिया के साथ ये बेटे ने पूरा एग्जीक्यूशन भी किया था। नंबर 5, टीएस गिब्सन ने जब फास्ट 5 फिल्म की शूटिंग खत्म की तो उन्हें ये फिल्म का कोई सेंस नहीं लगता था। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला कि फास्ट 5 फिल्म इतनी कॉम्प्लेक्स और प्रॉमिसिंग मूवी नहीं है फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन जानने वाली बात यह है कि फास्ट 5 फ्रेंचाइजी की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है वो भी 7.3 आईएमडीबी के साथ। नंबर 6, फास्ट एंड फ्यूरियस होब्स एंड शो में ड्वेन जॉनसन जेसन मोमोआ को होब्स के ब्रदर के रोल में देखना चाहते थे, लेकिन एक्वामैन एंड दूसरी कुछ मूवीज के पैक शेड्यूल की वजह से मोमोआ ये रोल प्ले कर ना सके, लेकिन 4 साल बाद अभी वो फास्ट एक्स मूवी में एज अ विलन हमको देखने को मिलेंगे। नंबर 7, पूरी फ्रेंचाइजी कार एंड एक्शन पे बेस्ड है, लेकिन मिचेल रोड्रिग्स और जॉर्डन ब्रूस्टर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था एंड दोनों एक्टर ने कहीं पे भी ड्राइव नहीं किया है। इवन द फेथ ऑफ फ्यूरियस मूवी जहां उनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला था ऐसा मूवी के मेकर्स ने कंफर्म किया है। नंबर 8, ड्वेन जॉनसन के बॉडी साइज की वजह से हॉब्स के कैरेक्टर को फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में 3 बार एवेंजर्स के मेंबर जैसे कि हल्क, कैप्टन अमेरिका और समन थॉर से मॉक किया था। कैमरास इन एंड अराउंड वाटरलू स्टेशन। विल समबडी टेल कैप्टन अमेरिका हियर दैट रिक्वायर्स क्लीयरेंस। क्विक टैक्स पेयर्स। सो नाउ वी वर्क फॉर द हॉक। दैट्स नंबर 9, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का सबसे यूनिक एंड हिट सीन कार स्काईडाइविंग वाला था, जो पूरा सीन डायरेक्टर जेम्स वॉन ने वन शॉट लिया था, लेकिन उस शॉट के लिए टोटल 34 एक्सपेंसिव कार यूज हुई थी जो मूवी के टोटल बजट को और बढ़ा कर दिया था। नंबर 10, तो पॉल वॉकर की डेथ हुई थी उससे थोड़े ही दिन पहले शूटिंग खत्म होने के बाद विन डीजल ने पॉल वॉकर से एक बात कही थी कि किसी कारण अगर मेरी जान चली जाए तो सबको बताना कि मैं कितना अच्छा ब्रदर था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद पॉल वॉकर की डेथ की न्यूज विन डीजल को मिली जो विन डीजल के लिए काफी पेनफुल था। नंबर 11, तो फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ मूवी में इड्रिस एल्बा ने आई एम ब्लैक सुपरमैन खुद को बोला था जो वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था। दरअसल ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ब्लैक जेम्स बॉन्ड वाला डायलॉग था क्योंकि उन दिनों एल्बा का कॉन्स्टेंटली नेम आ रहा था 007 की नेक्स्ट मूवी में, वो भी डैनियल क्रेग के रिप्लेसमेंट में। नंबर 12, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में मोस्ट ऑफ द स्टंट करने के लिए स्टंटमैन और सीजीआई का यूज होता होगा ऐसा सभी फैंस मानते हैं, लेकिन फास्ट 5 में ब्रायन का जो ट्रेन जंप सीन था वो पूरा पॉल वॉकर ने खुद प्ले किया था, लेकिन वो मिशन इम्पॉसिबल जितना ऑथेंटिक नहीं था। नंबर 13, तो अगर आपको फास्ट एक्स मूवी देखनी है एंड आपने पूरी फ्रेंचाइजी की एक भी मूवी नहीं देखी है, फिर आप सबने पहले द फास्ट एंड द फ्यूरियस, टू फास्ट टू फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस 4, फास्ट 5, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जो थर्ड मूवी है, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, द फेथ एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो एंड द फास्ट एंड फ्यूरियस 9, ये सारी मूवीज इस ऑर्डर में देखनी है जिससे आपको पूरी फ्रेंचाइजी की स्टोरी एंड फास्ट एक्स मूवी का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। नंबर 14, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की एंडिंग में पॉल वॉकर की जो टोयोटा सप्रा कार थी वो कार को ऑक्शन में $1,85,000 के वुपिंग प्राइस में सेल किया था क्योंकि वो पॉल वॉकर के कैरेक्टर ब्रायन की फर्स्ट कार थी। नंबर 15, फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में जब टायरिन रॉक को कहा hey Mia, you better hide your baby, or... एंड रॉक ने आंसर में भी एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी और लुडिक्रिस का जो रिएक्शन था वो जेन्युइनली फनी था क्योंकि उन्होंने ये लाइन एक्सपेक्ट नहीं की थी। नंबर 16, द फेथ एंड फ्यूरियस मूवी के शूटिंग खत्म होने के बाद ड्वेन जॉनसन ने सारे क्रू एंड कास्ट मेंबर इवन यूनिवर्सल पिक्चर को भी थैंक्स बोला था एक्सेप्ट वन, और वो और कोई नहीं विन डीजल थे एंड तभी से उनके और विन डीजल के बीच रिलेशन बिगड़ने लगे। नंबर 17,
तो आप सबको पता ही होगा कि ब्रायन के रोल के लिए पॉल वॉकर से पहले एमिनेम को पिक किया था, लेकिन बाद में जाके मेकर्स को लगा कि मार्क वहबर्ग और क्रिश्चियन बेल उन दोनों में से एक एक्टर इस रोल को परफॉर्म करे, लेकिन उन दोनों को ये रोल में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड फाइनली पॉल वॉकर को जब ये रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने पहली फुर्सत में साइन किया था। नंबर 18, जब मिस्टर नोबडी एक्सप्लेन करते हैं टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में, तब रोमन का नंबर 11 होता है एंड जो लोग रूम में थे उनके रैंक 6, 8, 9 और 10 थे एंड जो मिसिंग नंबर 7 था वो पॉल वॉकर को ट्रिब्यूट था। 6, 8, 9, 10। नंबर 19, तो फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट रॉटन टोमेटो के हिसाब से फ्रेंचाइजी की सबसे खराब मूवी है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलान ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि टोक्यो ड्रिफ्ट उनके लिए बेस्ट मूवी है इस फ्रेंचाइजी की। एंड आप मानोगे नहीं, टोक्यो ड्रिफ्ट को सिर्फ 38% रॉटन टोमेटो पे स्कोर मिला था। नंबर 20, पहले भी द रॉक को एवेंजर्स के कैरेक्टर से मॉक किया जा चुका था, लेकिन द फेथ ऑफ फ्यूरियस मूवी में जेसन स्टैथम ने फिर से रॉक के कैरेक्टर को हरक्यूलस बोला, क्योंकि वो द रॉक की 2014 में ब्लॉकबस्टर फिल्म थी एज ए टाइटल कैरेक्टर। नंबर 21, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी पूरी कार रेसिंग पे बेस्ड है, लेकिन क्या आपको पता है फास्ट 5 फिल्म में टोटल 350 कार डिस्ट्रॉय हुई थी, जो सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मूवी है जिसने सबसे ज्यादा कार डिस्ट्रॉय की है। नंबर 1 पे ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून है जिसमें टोटल 532 कार डिस्ट्रॉय हुई थी। नंबर 22, मूवी को रियल दिखाने के लिए काफी डायरेक्टर्स बॉम्ब का यूज करते हैं, लेकिन द फेथ ऑफ फ्यूरियस का क्लाइमेक्स में जो एक्सप्लोजन दिखाया था वो आइसलैंड कंट्री में नोटिस हुआ सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है हॉलीवुड हिस्ट्री में। नंबर 23, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की स्टार्टिंग में यूनिवर्सल पिक्चर्स का ओल्ड लोगो यूज हुआ था, उसके पीछे का रीजन ये था कि मूवी की शुरुआत 1989 से शुरू होने वाली थी एंड ऑडियंस इसी बात से सिंक जल्दी कर पाएंगी कि ये मूवी फ्लैशबैक से बिलोंग करने वाली है। ग्रेट आइडिया था बट डायरेक्टर ने एग्जीक्यूशन गलत किया था। नंबर 24, फ्रेंचाइजी में काफी सारी मूवीज में आपने ब्रायन को कॉन्वर्स के शूज पहनते हुए देखा है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसे सेम शूज लिटिल ब्रायन ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में पहना है। नंबर 25, तो द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में रेसिंग एंड ड्रिफ्टिंग के सीन बहुत सारे थे एंड जापान की गवर्नमेंट ने ये सारे सीन को शूट करने के लिए परमिशन डायरेक्टर जस्टिन लिन को नहीं दी थी, इसीलिए एक क्रू पर्सन का काम सिर्फ अरेस्ट होना था जस्टिन लिन के बदले। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।